400. All the numbers are there in front of you of EBITDA, depreciation, amortization, EBIT, extraordinary items, EBT, taxes and EAT. कंपनी ए का EAT 375 है, कंपनी बी का EAT 265 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कंपनी में किस कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर? ओके, देख लीजिए, नंबर को स्टडी कर लीजिए एंड वो नंबर को स्टडी करके अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करिए। कुछ भी है, ये जो नंबर है वही सारे के सारे हैं, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है। हाँ, ये एग्जैक्ट नंबर, ये एब्सोल्यूट नंबर है। दिस इज, दीज आर नॉट परसेंटेज इंक्रीजेस ओवर लास्ट ईयर एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस ईयर्स। एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू गिव आंसर ऑफ दिस केस इन नॉट मोर देन 33 सेकेंड्स। मतलब आपको 33 सेकेंड के अंतर में रिस्पॉन्ड करके बता देना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है इसमें, ए या बी। ओके, सो लेट मी आस्क एवरीवन, ओके, एनीवन हियर, कंपनी ए और बी? ओके, काम करते हैं। अगेन एज ऑलवेज लेट मी गिव यू टाइम ऑफ 3 मिनट्स, सो डिस्कस अमंग योरसेल्फ एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि ए अच्छी है कि बी अच्छी है। एंड रिमेंबर, जस्ट डोंट गिव द कंक्लूजन, गिव मी ऑल्सो द रीजन एज टू व्हाई यू थिंक कंपनी ए इज गुड और कंपनी बी इज गुड। ऑल द नंबर्स आर देयर। Does anyone have any doubt about these numbers? All of us are very clear about all the terms. Ma'am, are you clear about every terms? You know what is EBIT, what is EBITDA, what is gross profit, what is EBT and what is EAT. तो ये सारे नंबर आपको ये मालूम है सारे के सारे। तो 3 मिनट्स, all of you discuss in your group and tell me which company is better out of these two companies. Your time starts now.